कॉन्ग्रेचुलेशन आयुष्मान जी, और एक डॉक्टर जी मूवी से आप तहलका मचाने वाले हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि आपकी फिल्में हमेशा डिफरेंट होती है, ऐसे होती है, अलग अंदाज में होती है, इस बार आप डॉक्टर जी से आ रहे, थोड़ा बहुत जानना चाहिए, ट्रेलर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पसंद है, मुझे बहुत ही पसंद है, कि आपसे जानना चाहिए कि डॉक्टर जी किस अंदाज में आप दिखाने वाले हैं, दिखने वाले ऑडियंस। डॉक्टर जी एक बहुत ही अनोखी फिल्म है, यूनिक फिल्म है, जिसकी कहानी है कि एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट की जर्नी है। नॉर्मली जो गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो डॉक्टर बच्चा पैदा करते हैं, आम तौर पर जनता एक्सपेक्ट करती कि फ़ीमेल डॉक्टर हो, लेकिन ये कहानी एक मेल डॉक्टर की है और पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ ये इकलौता मर्द है, और उसकी जर्नी फ्रॉम सेक्सिस्ट पर्सन टू समबडी हु बिकम्स अ फेमिनिस्ट, और मे बी जो एक उसका एक हृदय परिवर्तन होता है ज़िंदगी में, सो इसकी कहानी है फिल्म। डिग्री मैंने हासिल नहीं की थी, पर हाँ MBBS के एग्ज़ाम्स ये थे, पर मेरी BDS में कहीं सिलेक्शन हो गई थी किसी कर्नाटका के किसी कॉलेज में, पर वो गया नहीं था वहाँ पर। अचानक ही वहाँ पर मुझे रियलाइजेशन हुई कि मुझे एक्टर बनना चाहिए, और मेरा मानना ये है कि रियल लाइफ हीरो वैसे डॉक्टर होते हैं, और इस फिल्म में यही बताया गया है कि डॉक्टर्स की अहमियत कितनी होती है ज़िंदगी में। मुझे लगता नहीं आज तक कोई ऐसी फिल्म बनी है जिन्होंने डॉक्टर्स को एज अ प्रोफेशन इतना सीरियसली लिया हो। इट्स अ वेरी वेल रिसर्च्ड फिल्म। इस फिल्म में सबसे अच्छी बात है कि फीमेल गेज है। फीमेल गेज का मतलब ये कि बहुत अच्छे कैरेक्टर्स फीमेल एक्टर्स प्ले कर रहे हैं, चाहे रकुल का कैरेक्टर डॉक्टर फातिमा का हो, या फिर शेफाली शाह जी का कैरेक्टर डॉक्टर नंदिनी का हो, हमारी डायरेक्टर अनुभूति कश्यप, एसोसिएट DOP जो हैं वो भी, और हमारे प्रोड्यूसर अमृता, आई थिंक एक बहुत ही फीमेल गेज जिसे बोलते हैं, एक नारी प्रधान क्रू है हमारा, सो दैट्स वाई आपको एक बहुत ही एक प्रोग्रेसिव फिल्म देखने को मिलेगी डॉक्टर जी। सो इट वॉज फन वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। देखिए मुझे लगता है कि हाँ डॉक्टर बनना चाहता था, पर मैं डॉक्टर आई थिंक एक्टर ज़्यादा अच्छा था इसलिए डॉक्टर नहीं बन पाया। अगर डॉक्टर अच्छा हो शायद डॉक्टर बन जाता, अगर मैं साइंस में इतना अच्छा होता तो। पर हाँ एक 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 इट वॉज लाइक अ पार्ट ऑफ माई बकेट लिस्ट कि मैं डॉक्टर प्ले करूँ स्क्रीन पर, क्योंकि डॉक्टर्स पे इतनी फिल्में नहीं आई। मैं हमेशा जो कुछ नहीं होता है अक्सर हमारी सिनेमा में वो मैं करना चाहता हूँ, एंड इस फिल्म के जरिए वो करने का मौका मिला है मुझे। यार लेट्स सी, अभी तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बॉक्स ऑफिस हमारा, पर ये है ज़रूर कि ये फिल्म को प्यार ज़रूर मिलेगा, लोग जो देखेंगे फिल्म उनको अच्छी ज़रूर लगेगी, क्योंकि है एक कहानी, क्रिस्प कहानी है, एक दो घंटे से छोटी है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, मज़ा आएगा आपको देख। या 14th October, और ये वो डेट है जब मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी भी है, या सो ये कोइंसिडेंस हुआ है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डेट। हाँ मतलब हाँ बिल्कुल होने वाला है, पेरेंट्स अगर सेलिब्रेट करेंगे तो व्हाई नॉट, एंड आई होप ये फिल्म अच्छा करे और उनको भी रीज़न मिले और सेलिब्रेट करने का।